हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकली है उसके बारे में, कि कितनी वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसेस कितना है, उसके बाद जो है ना अप्लाई का डेट कब से स्टार्ट होगा, एग्जाम फीस क्या है, सब कुछ के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं कि वैकेंसी कहाँ निकली है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, पोस्ट का नेम है जूनियर कोर्ट अटेंडेंट। अब ये जूनियर कोर्ट अटेंडेंट में क्या है, तो देखो उसको कुकिंग नोइंग यानी खाना बनाने आना चाहिए, मतलब खाना बनाने वाला का जो वैकेंसी है उसका निकला है। ठीक है, चलो टोटल पोस्ट का बात करें तो हम इसमें टोटल 80 पोस्ट है। कितने पोस्ट है? 80 पोस्ट है। अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो अप्लाई करने का डेट स्टार्ट होगा 23/8/2024 से और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 12/9/2024। वही लास्ट एग्जाम फीस जमा करने का है 12/9/2024। एग्जाम डेट अभी नहीं आया है एज पर शेड्यूल के हिसाब से, यानी जैसा एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में कि एप्लीकेशन फीस कितना रहने वाला है। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपीज, वही एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 200 रुपीज है। ठीक है, 200 रुपया और 400 रुपया। पेमेंट मोड क्या है, तो एटीएम कार्ड से आप पैसा जमा कर सकते हैं इसमें, मतलब फीस जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या नहीं तो नेट बैंकिंग। तीन मोड दिया गया है पेमेंट जमा करने का, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो ध्यान से समझिए एज लिमिट को, 1/8/2024 यानी 1 अगस्त 2024 को कम से कम मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, वही मैक्सिमम 27 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से दिया गया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन का बात करें तो 10th पास होना चाहिए प्लस 1 साल का 1 ईयर डिप्लोमा इन कुकिंग और कुलिनरी आर्ट्स का होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए कुकिंग में। ठीक है ना, साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, और ये एक्सपीरियंस कहाँ का होना चाहिए, कुकिंग के लिए एक्सपीरियंस। ठीक है ना, खाना बनाना है, कहीं पर खाना बना रहा होगा वो आदमी, जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो वो इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। क्या है हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस? तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 तरह का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसमें पहला है आपके पास रिटेन टेस्ट, जिसमें आपको जीके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स का, वही कुकिंग और कुलिनरी 8 से 70 मार्क्स का। सेकेंड है आपके पास प्रैक्टिकल होगा 70 नंबर का और इंटरव्यू भी है इसमें, तो 30 मार्क्स का इंटरव्यू, तो टोटल मार्क्स हो गया आपके 200 मार्क्स, यानी 200 नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पास। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर जानकारी आपको सही मिला है और आप जानकारी पूरी समझ में आ गया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही साथ अपडेट पाने के लिए, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।